कोर्ट ने 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। इसके बाद पुलिस ने उसके डेरों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इस मामले में सीबीआई के गवाह रहे एक शख्स ने कई अहम खुलासे किए हैं। वो शख्स डेरा प्रमुख का पूर्व ड्राइवर था, जिसने राम रहीम पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक राम रहीम के काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। उसके पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह के मुताबिक सिरसा डेरे में राम रहीम कई लोगों को मौत के घाट उतरवा चुका है। हत्या के बाद शवों को या तो डेरे में ही दबा दिया जाता था या फिर नहर में फेंक दिया जाता था। पुलिस में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। उसने कई लड़कियों से बलात्कार किया, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को कई बार गर्भवती कर चुका है। कई बार हनीप्रीत के गर्भवती होने की खबरें आई थी। ऐसे एक शख्स था गोरा सिंह। उसे मारने से पहले ही उसकी चिता तैयार कर दी गई थी। फिर उसे गोली मारकर चिता पर फेंक दिया गया और उसकी चिता को आग लगा दी गई। जब उसके बड़े भाई ने इस बात का विरोध किया तो महंगी गाड़ी देकर उसका मुंह बंद करवा दिया गया। अब गोरा सिंह का बड़ा भाई डेरे में मैनेजर के रूप में काम करता है। अगर कोई शख्स राम रहीम का कोई राज जान जाता था तो उसकी मौत तय थी। खट्टर सिंह का दावा है कि अगर डेरे की खुदाई की जाए तो उसमें इंसानी कंकालों के ढेर मिलेंगे। यहां तक कि डेरे के अंदर कई खतरनाक हथियार और आरडीएक्स तक मौजूद है। सिरसा डेरे की ज्यादातर प्रॉपर्टी काली कमाई से बनाई गई है और उस काली कमाई को फिल्में बनाकर सफेद किया गया। खुलासा हुआ है कि गुरमीत राम रहीम सेक्स पावर बढ़ाने के लिए खास तौर पर सोने चांदी से युक्त दवाई बनवाता था। सेक्स के बाद अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसका अबॉर्शन डेरे के अस्पताल में ही करवाया जाता था। इसके साथ ही साध्वियों को ध्यान में रखते हुए डेरे के लड़कों को नपुंसक भी बनाया जाता था। डेरे में अब तक लगभग 500 लोगों को नपुंसक बनाया जा चुका है। दोस्तों, इसी तरीके के रोज